धर्मेंद्र की एक फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जन्मदिन की पार्टी में एक महिला के आगे हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। अब ये महिला कौन है इसका बता पाना मुश्किल है, लेकिन कपड़ों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही साड़ी रेखा ने पहनी थी। हो सकता है कि रेखा से बात करते वक्त धर्मेंद्र उनके आगे हाथ जोड़कर उन्हें सम्मान देते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जरूर हेमा मालिनी की जल्दबाजी से परेशान होकर धर्मेंद्र ने हाथ जोड़ लिए होंगे। अब जल्दबाजी हेमा को सेल्फी की थी। जी हाँ, जन्मदिन की पार्टी में हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल सभी से मिलजुल रही थी, सभी का ध्यान रख रही थी, साथ ही वो हेमा संग सेल्फी लेने की जल्दबाजी में लगी थी। हेमा भी सभी मेहमानों को छोड़कर सेल्फी में मगन हो गई। इस बीच हेमा मालिनी का पैर मुड़ गया और वो गिरते गिरते बचती हैं। उसी वक्त धर्मेंद्र की एक फोटो भी सामने आ गई, जिसमें धर्मेंद्र हाथ जोड़े दिखाई दे रहे। कहा तो जा रहा है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए हाथ जोड़े उन्हें मना किया कि जल्दबाजी ना करे। पहले आपको बता दें, धर्मेंद्र ने अगर रेखा के सामने हाथ जोड़े हैं तो किस बात पर जोड़े हैं? वेल, हेमा मालिनी के जन्मदिन पार्टी से अभी और भी दिलचस्प फोटोज और वीडियोस आनी बाकी है। ईशा देओल ने हेमा को पार्टी दी थी, ऐसे में ईशा देओल इस पार्टी में सबसे आगे दिखाई दी। हेमा मालिनी के जन्मदिन पार्टी का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ कि अब हेमा मालिनी की एक और वीडियो सामने आ गई है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने पंडाल पहुंची हैं। जैसे कि इस वक्त नवरात्र के मौके पर काजोल, रानी मुखर्जी जैसे स्टार्स माता रानी की भक्ति में लीन दिखाई दिए, तो हेमा मालिनी भी पंडाल में पूजा करने पहुंची। यहाँ अपनी दोस्त रानी मुखर्जी को देखकर हेमा मालिनी चीख पड़ी। रानी और हेमा की दोस्ती देखकर ईशा बड़ी खुश हुई और दोनों को देखती रह जाती है। रानी मुखर्जी न जाने हेमा मालिनी से क्या बोलती है कि हेमा खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है, चेहरे के अजीब अजीब एक्सप्रेशन देने लगती है। इतना ही नहीं, गले से भी लगा लिया। और वीडियो सामने आते ही कुछ लोगों का कहना है कि दोस्ती बहुत गहरी दिखाई दे रही है, शायद हेमा मालिनी की तारीफ हो रही है, शायद जन्मदिन की पार्टी का डिस्कशन हो रहा है। हाल ही में हेमा मालिनी एक इवेंट में शिल्पा शेट्टी के साथ भी पहुंची थी, तब भी हेमा मालिनी उनसे दो चार बातें करती और मुंह घुमा लेती है, एक तरह से इग्नोर कर देती है। उस वक्त शिल्पा कुछ जरूरी बात करती नजर आ रही है, लेकिन हेमा कोई दिलचस्पी नहीं लेती है, मुंह घुमाकर बैठ जाती है। लेकिन रानी मुखर्जी से इतनी दोस्ती देकर हर कोई शौक रह गया। आखिर हेमा मालिनी भी इतना भेदभाव करती है? हेमा मालिनी की रेखा से भी अच्छी दोस्ती है। इनकी दोस्ती आपने हेमा के जन्मदिन पर पार्टी में देखी होगी। जिस तरह से रेखा ने हेमा को छोटी बहन समझकर उनकी नजर उतारी, उससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। हेमा मालिनी की दो बेटियां ईशा और अहाना है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखा जाए तो दोनों ही बॉलीवुड में अपना काम आजमा चुकी हैं, लेकिन दोनों फ्लॉप रही। बावजूद हेमा मालिनी के लिए ईशा सगी और अहाना सौतेली है। ऐसा हम नहीं बल्कि एक वीडियो सामने आई जिसे देखकर कुछ इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये वीडियो हेमा मालिनी के जन्मदिन पार्टी की है, जिसे ईशा और हेमा ने शेयर किया। वीडियो में कहीं भी अहाना नहीं दिखाई दी, जबकि वीडियो की स्टार्टिंग ही ईशा देओल से होती है। जी हाँ, वीडियो में शुरू में ईशा पोज देती नजर आ रही है, क्योंकि ये पार्टी ईशा ने ही दी थी, लेकिन हेमा मालिनी के लिए तो दोनों बेटियां ही बराबर हुई। फिर उन्होंने अपने इस वीडियो में ईशा को दिखाया, अहाना को छुपाया। अहाना हेमा मालिनी संग सिर्फ केक कटिंग के वक्त नजर आई, उसके बाद वो पूरी पार्टी में गायब रही, जबकि ईशा हेमा मालिनी संग सेल्फी लेती है, डांस करती है, बाकी सभी मेहमानों से बातचीत करती है, हंसी ठहाके लगाती है, और इनके ग्रुप में कहीं भी उनकी छोटी बहन अहाना नहीं दिखती है। इतना ही नहीं, ईशा देओल इस पार्टी में खूबसूरत गोल्डन कलर की ड्रेस में पहुंची थी, जबकि अहाना नॉर्मल सी साड़ी में पति और बच्चे संग पहुंची। ईशा संग उनके पति और बच्चे भी नहीं दिखाई दिए। उसके बावजूद दुर्गा पूजा में भी हेमा ईशा संग पहुंची, गणेश पूजा में भी हेमा ईशा संग पहुंची थी। हर पार्टी में हेमा को ईशा संग देखा जाता है, अहाना संग कभी नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? अहाना कैमरे से चिढ़ती तो फिल्म में कभी काम नहीं करती, फिर उनके संग हेमा क्यों नहीं रहती है? इन दिनों एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया। फोटो में आप देख सकते हैं धर्मेंद्र के पैरों में करीब 5 मिनट तक बैठकर सलमान खान बातें कर रहे हैं। फोटो में आपको भी सलमान खान झुकते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। पहले तो धर्मेंद्र ही सलमान के आगे झुके। याद हो, गदर 2 की जश्न पार्टी में सलमान को स्पेशल इन्विटेशन भेजा गया था। सनी देओल सब काम छोड़कर सलमान को बुलाने गए थे, और जैसे ही सलमान ने पार्टी में एंट्री की, वैसे ही सनी देओल के बेटे और परिवार के कुछ लोग सलमान के पैर छूते दिखाई दिए। पहले सनी देओल झुके, तो अब सलमान खान ने अपना कर्ज उतारते हुए धर्मेंद्र के पैरों में झुककर बातें की। यूं तो हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन की तमाम तस्वीरें छाई, लेकिन इस तस्वीर ने हर किसी के होश उड़ा दिए। सलमान खान के संस्कारों की भी तारीफ की जा रही है, अपने पिता समान धर्मेंद्र के पैरों में बैठकर बातें कर रहे हैं। पास में और भी चेयर्स हैं, लेकिन सलमान को जो आनंद धर्मेंद्र के पैरों में झुककर आ रहा है, वो शायद चेयर पर नहीं बैठने पर आता। 5 मिनट तक दोनों में बातें
होती रहती हैं। उस दौरान हर कोई पार्टी इंजॉय कर रहा था। हेमा मालिनी भी देख रही थी कि सलमान के पास से धर्मेंद्र उठने का नाम ही ले रहे हैं, जबकि उस वक्त हेमा मालिनी कई बार उन्हें बुलाती हैं, लेकिन वो उनसे बातें करने में लगे रहते। काफी देर होने के बाद हेमा भी वहां पहुंच जाती है और गुस्से में कहती है कि सलमान को नीचे क्यों बैठाया हुआ है। हेमा मालिनी के जन्मदिन की पार्टी तो खत्म हो गई, लेकिन फैंस के बीच ये सवाल अभी भी है कि आखिर हेमा सनी देओल के बीच सब कुछ ठीक हो गया था तो फिर बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं दिखे सनी देओल। इतना ही नहीं, खबरें ऐसी भी आ रही कि हेमा मालिनी की तरफ से सनी देओल को इनविटेशन भी भेजा गया और सनी देओल ने हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें बुके भी भिजवाया, लेकिन किसी काम की वजह से वो जन्मदिन पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। जी हां, हेमा मालिनी ने अभी अभी खुद बताया कि सनी देओल को बहुत मिस किया, वो आते अगर काम में बिजी ना होते। वैसे आपको क्या लगता है, हेमा मालिनी ने सनी देओल को इनविटेशन भेजा होगा? अगर सनी देओल आने वाले होते तो काम स्किप करके भी आ सकते, लेकिन वो जानबूझकर सौतेली माँ के जन्मदिन पर शामिल नहीं हुए। जी हाँ, सनी देओल हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में आते और फिर से बात का बखेड़ा होता है। ऐसे में सनी देओल ने पार्टी में न आकर बुके भिजवा दिया और कह दिया कि वो काम में बिजी है। हेमा मालिनी लगातार अपने बर्थडे की फोटो शेयर कर रही है। वो अपने हमजोली के सभी दोस्त और स्टार्स को थैंक यू बोल रही है, जिन्होंने हेमा का जन्मदिन बहुत यादगार और खास बना दिया। हेमा मालिनी ने सबसे पहले धर्म जी को थैंक यू बोला। उन्होंने लिखा, धर्म जी ने आज पूरा वक्त उन्हें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ताज्जुब की बात है कि देओल परिवार में इतने हंगामे होते रहते हैं, लेकिन परिवार का एक शब्द तक सामने नहीं आता। हेमा धर्मेंद्र की शादी होने पर सनी देओल का विकराल रूप देखने को मिला था। सुना तो ये भी था कि सनी ने सौतेली माँ के लिए चाकू तक उठा लिया था। शायद इन्हीं हमलों से बचने के लिए हेमा मालिनी आज तक सनी देओल के घर नहीं गयी, उनसे नजरे नहीं मिलाई, उनका सामना नहीं करती है। शायद वो सनी के गुस्से से कांपती है कि सनी गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सनी को कई बार सेट पर झगड़ते देखा गया। वो बचपन में भी कई बड़े कांड कर चुके हैं, सेट पर कई लोगों को पीट चुके हैं और अब खबरें आ रही है कि सनी देओल की पत्नी माँ सबके सब सनी देओल से डरते हैं, जिस वजह से सनी देओल की पत्नी कैमरे के सामने तक नहीं आती हैं और माँ प्रकाश कौर घर की चार दीवारों से बाहर तक झांकती नहीं है। बेटे करण की शादी में देओल परिवार की महिलाएं सामने दिखी थी, लेकिन सब कैमरे से मुंह छुपाती नजर आई थी। तब ऐसी भी बातें हुई थी कि शायद देओल परिवार में महिलाओं को दबा कर रखते हैं। पूजा देओल परेशान भी रहती हैं, लेकिन सनी देओल ने हाल ही में एक में कहा था कि उनके घर की हर एक महिला को अपना फैसला करने का अधिकार है, उन्हें पूरी तरह से आजादी है कि वो अपने मन का कर सकती हैं, लेकिन जब महिलाएं नहीं इन चीजों में इंटरेस्ट हैं तो इसमें कोई क्या करे।